मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी मानहानि मामले में आरोप तय हो गए हैं। उन पर भोपाल की कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किए हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद बीडी शर्मा ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के समक्ष विष्णुदत्त शर्मा यानी बीडी शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद बीडी शर्मा ने मामला दर्ज कराया था। फिलहाल दिग्विजय सिंह इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। अधिवक्ता सचिन के वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। अगर आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता पर भी खतरा होगा। उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और इसके साथ ही वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को पत्रकारों से चर्चा के दौरान विष्णुदत्त शर्मा पर व्यापक घोटाले के मामले में तमाम आरोप लगाए थे। तब बीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के नेता थे। तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीडी शर्मा ने आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिया का काम किया। जब ये रिपोर्ट मीडिया में आई तो बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो से लोकसभा के सांसद बीडी शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह पर किए गए मानहानि मुकदमे में दिग्विजय सिंह पर आरोप अदालत में तय हो गए हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा बीडी शर्मा के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, जबकि शर्मा आज तक किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए नहीं गए। ना उनको कोई संबंध हुआ है और ना ही उनका व्यापम के मामले में कोई संबंध है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए दीपक राय की रिपोर्ट।